झारखंड के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रांची स्थित कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उबान मलिक साहब के आदेश पर मैं आफ्ताब अहमद सिद्दीकी झारखंड मजलिस की अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर रहा हूं। हमारे साथ कैसर साहब हैं, फरीद साहब हैं, रांची से ये पांचवी लिस्ट जारी हो रही है। ये पांचवी लिस्ट है AIMIM के उम्मीदवारों की। इसका निर्देश हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष के जरिए मिला। इसमें सबसे पहला नाम है महगामा से मिस्टर अशोक कुमार सिंह। महगामा से मिस्टर अशोक कुमार सिंह। गांडे से मिस्टर इंतखाब आलम अंसारी। गांडे से जनाब इंतखाब आलम अंसारी और मांडू से जनाब हमीद हाशमी। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, महगामा से जनाब अशोक कुमार सिंह, गांडे से जनाब इंतखाब आलम अंसारी और मांडू से जनाब हमीद हाशमी हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी होंगे। हमें पूरा आशा और विश्वास है, पूरे यकीन है कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच और उनके निशान पर चलने वाले झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जनाब उबान मलिक साहब की मेहनत को रागा नहीं जाने देंगे और आप महगामा, गांडे और मांडू से AIMIM की झोली में डालेंगे। मेरे साथी और दोस्तों, रेस में बहुत सारे लोग थे। मैं माजरत के साथ सबसे अपील करना चाहूंगा कि टिकट कोई एक ही आदमी लेता है, लड़ता कोई एक ही आदमी है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी टीम की जीत और हार उसके साथ जुड़ जाती है। जब तक आप उम्मीदवार नहीं है तब तक आप लड़ लीजिए, लेकिन जिस दिन कोई एक आदमी उम्मीदवार बन जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपकी जरूरत भी है और आपका वकार का भी सवाल होता है कि आप जिसको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया उसको अपना नेता मान करके, उसको अपना साथी मान करके, उसको अपना दोस्त मान करके, उसको मजलिस का एक सिपाही मान करके उसको जिताने में पूरी ताकत आपको लगानी है। अभी तो शुरुआत है, हो सकता है अंदर रेस में वो भी लोग आए जिन्होंने उम्मीद लगाई है। मैं आपकी उम्मीद को नाकाम नहीं होने दूंगा। मेरा वादा आपसे है कि आगे भी आप लोग को इज्जतदार जगह मिलेगी और पार्टी को जिताना आपका मकसद है। पार्टी कैसे जीते ये आपको समझना है, आपको सोचना है और हम सब मिल करके आइए कोशिश करें कि मजलिस को झारखंड में मजबूती के साथ पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।